हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारी पेट दुखाऊ वीडियो में, जहां आज आप ऐसे महानुभव लोगों को देखेंगे जिनकी हरकतें कभी शबनम तो कभी शोला है, कभी ओले तो कभी बर्फ का गोला है। इन हरकतों को देखने के बाद आपकी हंसी रोके नहीं रुकेगी, इसलिए वीडियो में लास्ट तक टिके रहिएगा क्योंकि हंसना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आजकल लोगों का पक्के से भी पक्का साथी हो गया है सचल दूरभाषी यंत्र। इसके बिना फड़फड़ाते पक्षियों की दुनिया वीरान सी हो जाती है और पापा की परियों का तो जैसे सोशल मीडिया से ब्रेकअप ही हो जाता है। अब इन मोहतरमाओं को ही देखिए, समुद्र के बीचों बीच दीदी अपने कैमरे से फोटो लेने के चक्कर में थी कि तभी सामने वाले ने इशारा किया और दीदी ने पोज दिया, पर इतना में उड़ता हुआ मछला आया और दीदी का फोन फुर्र। ये क्या हुआ? अभी तो ये यही था। अभी सच में बहन लाइफ में टंटे हो रखे हैं। जैसे बिना दान पेटी के मंदिर नहीं चलते, बिना बीवी के खजूर नहीं चलते, वैसे ही बिना पैरों के इंसान नहीं चलते। और तब इनके लिए इंतजाम किया जाता है फोर व्हीलर का। और आप तो जानते ही हैं, आजकल अपना हो या पराया, किसी पर भी भरोसा करने की सजा सुतई होती है। फिर ये जनाब शायद इस कहावत से वंचित रह गए, इसीलिए सबसे अच्छे दोस्त पर भरोसा कर बैठे। कमीने दोस्त ने भी इनकी सुताई का पूरा बंदोबस्त कर दिया। रोम रोम भाइयो। वो तो शुक्र है तोता मीना की चोंच से चोंच बीड़ी थी, वरना पैरों के साथ साथ हाथ भी निकल जाते। यहाँ सालों बाद मिले यार थाली में भरकर बिरयानी गले से नीचे उतार रहे थे, पर एक यार ठूसने से ज्यादा मूड बनाने के मूड में था, इसलिए उसने अपने पेटू दोस्त की खिंचाई करने का मन बनाया और कुछ ऐसा किया कि भाई साहब के तोते उड़ गए। अरे तुम्हारी खोपड़ी में भेजा है कि भजिया है? चाहे हिंदुस्तान जाओ या पाकिस्तान, समुद्र के ऊपर जाओ या अंदर, हर जगह जाने के लिए पैसे की जरूरत होती है, जो अक्सर लोगों से नाराज रहता है। लेकिन शायद पैसे को पता नहीं है कि इसकी नाराजगी का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारी इस जादुई दुनिया में देसी जुगाड़ों का भंडार है। जब हाथ निकालो एक नमूना बाहर, एग्जाम्पल सामने है। लाइफ लिटिल इज, जिंदगी छोटी है। गेट आउट फ्रॉम हाउस, निकले घरों से और घूमे ये जगह। इसे कहते हैं सस्ते में निपटारा। घूम भी लिए, लाइक्स भी मिल गए और फेमस भी हो गए। मस्त प्लान है। हाथ में टच मोबाइल फोन रख के हर कोई अपने आप को अंबानी का चाचा समझ बैठता है, फिर भले ही पेमेंट करने के नाम पर अपना पोपटी क्यों ना करवा बैठे। अब इस जुहू बीच के प्राणी को ही देखिए, अपने लत्ते जिगर को कोमलता से पकड़ कर भाई साहब क्यूआर कोड को स्कैन कर रहे हैं, पर जो ये कर रहे हैं उससे तो सात जन्म में भी पैसे नहीं पे हो पाएंगे। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि नाम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? बस करो चचा, अब क्या फोन अंदर ही घुसा दोगे? परियों के जैसा बनने की होड़ में निकले पापा के नालायकों के हौसले अब इतने बुलंद हो गए हैं कि उनके कपड़े, मेकअप और ज्वेलरीज पहनने के बाद अब ये उनकी आवाज भी निकालने लग गए हैं। यकीन ना हो तो देखिए इस चाय कम पानी छमिया को, जिसने तिल मिला देने वाला सीन एग्जिट होते ही भैया से दोबारा प्ले करने की डिमांड कर डाली। प्लीज ना भैया, चालू करो ना। लगता है खजूर के अरमान कुछ ज्यादा ही उछल उछल कर बाहर आ रहे हैं। अब आप देखने वाले हैं एक जादू, लेकिन इस जादू को देखने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फुर्ती से कर लीजिए। ऐसे ही और मजेदार वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जादू कुछ ऐसे है कि समुद्र से दूर बने इस छोटे से गड्ढे में, जहाँ पानी की धारा ही घुस रही है, वहीं कुछ लोग एक साथ दो टायर डालेंगे और फिर जो मैजिक होगा उसे देखकर तो आपका दिलो जिगर आश्चर्य के मारे लीची से संतरा बन जाएगा। चलो इसका एक फायदा तो है, कोई भी डूबकर नहीं मरेगा। पर ये कमाल हो कैसे रहा है? अगर आप समझ पा रहे हैं तो जरा हमें भी कमेंट करके बताइए।
वीडियो बनाने के लिए कितनी मेहनत लगती है ये कोई आजकल के युवाओं से पूछे। ये युवा मस्त सड़क पर एक्शन में अपनी वीडियो बनवा रहा है, वहीं पर पास में कुछ भेड़े भी गुजर रही हैं, लेकिन तभी वीडियो में कुछ ऐसा स्पेशल सीन क्रिएट हो जाता है जिसकी इस वीडियो बना रहे भाई ने कल्पना भी नहीं की थी। जब जब जुल्म की आंधी पड़ती है उसे रोकने के लिए एक तूफान आता है। अच्छा आया आया तूफान। ये जनाब तो चच्चा से भी डर गए। धैर्य रखो पुत्र धैर्य, ऐसे वीडियो थोड़ी बनते हैं। तुमसे ना हो पाएगा। चेन्नई एक्सप्रेस वाले शाहरुख खान की तरह दीपिका को गोद में उठाए सीढ़ियां चढ़ते देख हर मजनू अपनी लेला को फोन करता है और कहता है कि जान मैं भी तुझे गोद में उठाकर सीढ़ियां चढ़ूंगा। ये जनाब भी उन्हीं में से एक थे, पर अफसोस कि मैडम को रोटियां ज्यादा बेलनी पड़ गई और वो नहीं आ पाई। अब भाई साहब पहले मिनट तो पूरे जोश के साथ हर हर महादेव, लेकिन जैसे ही आधा रास्ता पार किया भाई साहब की जुबान से ऐसे शब्द निकले कि महादेव की भी हंसी छूट गई। अरे महादेव, महादेव नीचे जगह नहीं मिली। शुक्र है लेला नहीं आई वरना एम्बुलेंस बुलानी पड़ जाती। नौकरियों में पड़ी मंदी और बिजनेस पर छाए काले बादलों के चलते आजकल पैसे कमाने का सिर्फ एक ही जरिया बचा है, चोरी चोरी और चोरी। ये जटाधारी इंसान भी इसी पेशे से ताल्लुक रखता है और आप भी इस क्लिप को ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर आप भी इसी धंधे से जुड़े हैं और कभी पुलिस आ जाए तो बचना कैसे है आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा। जब इंसान को फ्री का मिलता है तो वो लूटने पर ध्यान देता है, फिर चाहे पेट पिटारा ही क्यों ना बन जाए। इस हष्ट पुष्ट प्राणी से मिली है, आइसक्रीम भी हाथ में मक्खी मच्छर जैसी नजर आ रही है, ऊपर से पेट आत्महत्या करने को तैयार है और टी शर्ट ने तो हथियार ही डाल दिए हैं, पर पेट है कि फैल ही जा रहा है। कंट्रोल कर भाई कंट्रोल, वरना फट जाएगा। सिस्टम पार देंगे। यहाँ ये भाई मस्ती से घोड़े बेचकर सो रहा था, लेकिन दूसरे दोस्तों को इसकी ये नींद जरा भी रास ना आई और भाई साहब ने साउंड इफेक्ट का गलत इस्तेमाल करके सो रहे भाई के तोते उड़ा दिए। तुम्हें शर्म है कुछ? कुछ शर्म आया है? इसीलिए कहते लंगड़े लूले बनकर चूना लगा रहे भिखारियों पर भरोसा कर लेना, मगर दोस्तों पर कतई नहीं, वरना इसी तरह जिंदा होते हुए भी मरा हुआ फील करोगे। अच्छा। जब से सोशल मीडिया नाम का बाजार लॉन्च हुआ है रील बनाने वालों ने तांडव मचा रखा है, कोई छत पर लगा पड़ा है तो कोई खेत में, और ये मोहतरमा तो बीच चौराहे पर ही शुरू हो गई। पर इन रील्स के दीवानों की हरकतों को देख देख कर पुलिस भी चौकन्नी हो गई है, खासकर गुजरात पुलिस। ठीक है समरिया। अच्छा। कभी सोचा नहीं था योग दिखाने वालों को भी माफीनामा देना पड़ सकता है, कलयुग है कुछ भी हो सकता है। बात तो सही है। सोशल मीडिया का बाजार जितना गुलजार है सुर ताल और संगीत के माहौल में उतनी ही वीरानगी छाई हुई है। इसी वीरानगी को मिटाने का जिम्मा लिया है इस हसमुख लाल ने, जो गला फाड़ के फिर अचानक से दबा के सुरों का संगम पेश कर रहा है। मजबूती देख रहे लौटने की। दोस्तों अगर आप भारत में पॉलिटिक्स का खेल समझना चाहते हैं तो बच्चों के गैंग के साथ निकले इन नेताजी से मुलाकात कीजिए। ढोल की आवाज बंद होते ही ये भारत की राजनीति और यहाँ की पार्टियों की लुंगी धोती और गमछा तबीयत से उतार रहे हैं। नंबर एक नंबर बना दूँ। बनी हुई नालियों को भी तोड़वा दूंगा, लाइटें हटा के मोमबत्तियां फिट करवा दूंगा, घर और दुकानों पर बिल्डोजर चढ़वा दूंगा। हम जो भी वादा करते हैं वो झूठा है, हम जैसे नेताओं ने देश को लूटा है। देश से आतंक हटाना है, घरों में लट चलवाना है, बच्चों को आजादी दिलवाना है, बनी हुई स्कूलों को भी बंद करवाना है, गरीबों का दुख बटाना है, गाँव से गरीबों को भगाना है, चुनाव चिन्ह भूलना जाना, गधैया पर बटन दबाना।
याद रहे आने वाली 72 तारीख को बड़े हार में। तो याद रखिएगा, आने वाली 72 तारीख को भारी मतों से नेताजी को जिताना है, क्योंकि ये सभी काम होंगे तभी तो देश आगे बढ़ेगा। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करो। अगर आप भी बोटिंग का मजा लेने जा रहे हैं तो एक बारी वीडियो जरूर देख लीजिएगा, वरना इनकी तरह लेने तो नहीं देने जरूर पड़ जाएंगे। दोनों टीमें बड़ी खुश हैं, पर तभी एक तूफानी लहर आई और एक टीम की आवाज ही बंद कर दी। खत्म। ऊपर बैठे खुश तो ऐसे हो रहे हैं जैसे बहुत बड़ा काम कर दिया हो। सहलो, अब इनके क्रियाक्रम का खर्चा तुम ही को उठाना पड़ेगा। ब्यूटीफुल भाई, मुबारक हो। दोस्तों, शादियों का सीजन आ रहा है। अगर आप भी किसी के सच्चे दोस्त हैं और अपने दोस्त की शादी में रंग जमाना चाहते हैं, तो हाल ही में एक नया महिला संगीत लॉन्च हुआ है, सुनिए और जाके ताल से ताल मिला दीजिए। भाभी का तो पता नहीं, पर भैया और सासू माँ जरूर खुश हो जाएंगी। बनना बीटेक एमटेक पास, बन्नी मिली अंगूठा छाप भाई वाह। बनना बीटेक एमटेक पास, बन्नी मिली अंगूठा छाप। बन्ना ने बोला कर्टन, बन्नी ले आई बर्तन। बन्ना ने बोला कर्टन, बन्नी ले आई बर्तन। बन्ना माजे सारी रात, बन्नी मिली अंगूठा छाप। बन्ना माजे सारी रात, बन्नी मिली। लोग दिल जीतते हैं, इसने फेफड़ा भी जीत लिया। वैसे दीदी की मटकती कमरिया भी कहर ढा रही है, खैर पराया माल है। बचपन में मम्मी लाख बार समझाती थी कि बेटा गली मोहल्ले में ये क्रिकेट फुटबॉल वगैरह मत खेलना। इन लड़कों को भी सेम बात समझाई गई थी, पर हम तो ठहरे शेर, हम किसी की नहीं सुनते। सो बस लग पड़े रास्ते में फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी करने, पर तभी अपनी मोहतरमा को गाड़ी पर बिठाए एक अंकल आए और आगे आप ही देखिए कागुल खिलाया इन्होंने। गेम ओवर, इसे कहते हैं लाठी भी टूट गई और सांप भी निकल गया। इन दोनों दोस्तों ने आज संगीत का प्रोग्राम घर पर ही रखा था। एक ने शुरुआत की और दूसरे की तरफ माइक किया, लेकिन दूसरे ने इतने भयंकर सुर छेड़े कि पहला बर्दाश्त ही नहीं कर पाया और माइक सीधा मुंह में ठूस दिया। इसीलिए कहते हैं कि गले में माँ सरस्वती का वास ना हो तो फटे सुरों को छेड़ना नहीं चाहिए, वरना सामने वाला डमरू बजा देता है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। जब से उर्फी जावेद नामक आइटम ने धागे, कट्टे, बोरे, रुई और पेंट शर्ट की कॉलर से बने कपड़े पहनना शुरू किया है, फैशन डिजाइनर का तो दिमाग ही बोरा गया है। कपड़े पे कपड़ा बनाए चले जा रहे हैं, पर कस्टमर को इतना नहीं समझा पा रहे हैं कि इन्हें पहनना कहाँ है, ऊपर या नीचे। वैसे कहीं भी पहन लो, इससे ढकना वकना तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं छुपेगा। समझ रहे हो, पूरे 2300 रुपए। अरे साहब, इसे तो मम्मी दो पुराने पेंटो का चीर हरण करके घर ही तैयार कर देगी। पुराने जमाने की टीचर क्लास में चोंच लड़ा रही तोता मैना की जोड़ी को ऐसा डंक मारते थे कि शादी से पहले नैनों की धारा बहते नहीं रुकती थी। पर आजकल के गुरु कुछ ज्यादा ही चिल्लो हो गए हैं। ये क्लास में नैन मटक्का कर रही तोता मैना की जोड़ी को तोड़ने या फोड़ने में नहीं, बल्कि जोड़ने में लगे हैं। बहुत तेज हो रहा है। सबसे ज्यादा बेरोजगार इसी स्कूल से निकलेंगे और फिर कहेंगे सरकार हमें नौकरी नहीं दे रही। दुनिया में 3 तरह के लोग रहते हैं। पहला होता है पापी टाइप, दूसरा होता है महापापी टाइप, और तीसरी टाइप के जो प्राणी होता है वो इतना पापी होता है कि उसे प्रकृति भी छूने से डरती है। जहाँ भाई खड़ा है उस जगह को छोड़कर चारों तरफ बारिश हो रही है, सोचो कितना पापी होगा। ये भी मेरी गलती है। इस संगीत की महफिल में सुर भी ठीक थे और सुरों का बादशाह भी, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस की बेहती गंगा ने सामने वाले को हथियार डालने पर मजबूर कर दिया। हुआ कुछ यूं कि टोपी वाले कागा गाने में इतना खो गए कि तक धीना दिन की स्पीड हर सेकंड में बढ़ाने लगे, और ढोलक वाले को भी कोऑपरेट करने को कहा, लेकिन स्पीड चौगुनी गति से बढ़ती देख ढोलक वाले के फेफड़े फूल गए और उसने कहा, लो तुम ही बजा लो। बस
हवा निकल गई। बजा लो काका बजा लो। वैसे आपको आती है ढोलक बजाना? कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें तेरा घाटा आई का कुछ नहीं जाता। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।